श्री नामा नागेश्वर राव जी. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर. सब ये ड्राउट का और फ्लड का, ये दोनों इश्यू जो है ना कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है. ऑनरेबल मिनिस्टर ने 3 पेजेस का फ्लड्स का बारे में जब क्वेश्चन पूछे तो 3 पेजेस का आंसर दिया है. उसमें सबसे ज्यादा जो है ना मोस्ट ऑफ द आंसर में जो कवर किया है उसमें रिवर लिंकिंग होने से ही ये इफेक्ट होगा बोल के बताया. पिछले 20 साल से जो है ना रिवर लिंकिंग का बारे में जो है ना हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था. ये जो है ना सब मेनली जो है ना हम लोगों का कंट्री में फार्मर्स जो है ना अभी भी जो है ना 60% 70% जो है ना गांव में लोग रहता है. ये फ्लड्स एंड ड्राउट का वजह से जो है ना कंट्री में काफी कुछ जो है ना लोग जो है ना सफर कर रहे हैं. और अभी जो क्वेश्चन में आप रिवर लिंकिंग के बारे में काफी कुछ बताया मगर उसका कोई टारगेटेड ये साल में हम ये करेगा ये साल में ये करेगा कोई टारगेटेड डेटा जो है ना नहीं दे पाया. दूसरा हम लोग को जो है तेलंगाना बनने का पहले यही सिचुएशन था. पीने के लिए पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था. ये गोदावरी को हम लोग जो है लिफ्ट करके 600 मीटर जो है ना वाटर को हम लोग लिफ्ट किया. यबो 600 मीटर मतलब यबो हाफ किलोमीटर जो है ना सब पूरा एंटायर नहीं सर उसे वही उसे कनेक्टेड सर. गोदावरी को जो है ना वेस्ट में जा रहा था वो पानी को लिफ्ट करके पूरा जो है ना अभी एंटायर तेलंगाना में सिंचाई के लिए भी पीने के लिए भी पानी है मंत्री जी. और काफी कुछ जो है ना कंट्रोल किया. भाई स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना मिनिस्टर से ये है ये रिवर लिंकिंग का जो है ना कब होगा कौन सा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया और बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका पढ़ने में उतना टाइम हमको नहीं मिलेगा मगर उसका कोई टारगेटेड डेट है क्या कब तक जो है ना रिवर लिंकिंग का कौन सा सदस्यगण. थैंक यू. मैं माननीय सदस्य गणों से आग्रह करना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं वरिष्ठ सदस्य ये प्रश्नकाल है ये चर्चा का नहीं है इसलिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे. मंत्री जी भी प्रश्नकाल का प्रश्नकाल को समझकर ही जवाब दें. माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बहुत